पावर सेक्टर की है कंपनी का स्टॉक इन दोनों अनिल अंबानी जी की वजह से फिर छा गया है अनिल अंबानी जी के स्पेनिश स्टॉक ने पिछले एक वर्ष में करीब 80 प्रतिशत का रिटर्न प्रदान किया है और पांच वर्षों में 778 परसेंट का बेहतरीन जबरदस्त रिटर्न अपनी निवेशकों को देकर मालामाल बनाया है चलिए आज इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करते हैं इस स्टॉक के बारे में और इससे जुड़े कुछ सामान्य और जरूरी बिंदुओं को समझने का प्रयास भी करते हैं जो भविष्य में कंपनी की ग्रोथ और कंपैरिजन दोनों को ही डिफाइन करने में काफी ज्यादा प्रभावशाली रहने वाला है रिलायंस पावर बिजनेस मॉडल पावर सेक्टर में काम कर रही है कंपनी कंस्ट्रक्ट डेवलप और ऑपरेट करती है पावर प्रोजेक्ट्स को भारत और इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी और भी अगर कंपनी है जिनकी सहायता से यह इन सभी ऑपरेशंस को मैनेज करती है आसानी से भारत में कंपनी के काफी बड़े प्लान से इसके अलावा यह कंपनी अभी के समय ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में भी आगे बढ़ती दिखाई देने लगी है और फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी की डिमांड भविष्य के रख के हिसाब से काफी तेज होने वाली है इसका फायदा ऐसी कंपनियों को मिल सकता है यदि यह अच्छे से अपने बिजनेस को परफॉर्मेंस करने में सफल रहती है तो रिलायंस पावर के मुख्य फंडामेंटल बिल्कुल इस कंपनी का मार्केट के बारह करोड़ रुपए का है शेयर प्राइस बत्तीस रूपए रूपए के आसपास से कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड राशि प्रदान नहीं करती है फेस वैल्यू करीब दस रूपए के आसपास बनी हुई है कंपनी ने अपने कर्ज को इम्प्रूव किया है साल में दर से सल्स देखे तो सल्स में एक मेंटेन रेशियो में ही दिख रहा है कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग देखी जाए तो करीब तेईस बनी हुई है और पंद्रह परसेंट से ज्यादा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल नजर आ रहे हैं ऐसी कंपनी में बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए और सही निवेश की रणनीति के साथ आगे बढ़ा जा सकता है लेकिन उसके लिए वैल्यूएशन फंडामेंटल को भी समझना होगा क्योंकि इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग भी काफी कम है कंपनी की सेल्स में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हो रही है टोटल असेट्स घटते जा रहे हैं रिलायंस पावर टारगेट प्राइस साल टारगेट प्राइस दो हजार पच्चीस अट्ठानवे रुपए दो हजार छब्बीस पैंतालीस रुपये दो हजार सत्ताईस चौवन रुपये दो हजार अट्ठाईस बासठ रुपये दो हज़ार उनतीस छिहत्तर रुपये दो हज़ार तीस बानवे रुपये डिस्क्लेमर आपने जो न्यूज पढ़ी उसका मकसद केवल आपको जानकारी देना है हमारी चैनल इक्विटी न्यूज स्टॉक मार्केट के कंपनी की लेटेस्ट न्यूज बोनस डिविडेंड आईपीओ की इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है भारतीय शेयर मार्केट जोखिम के अधीन होता है जिसे आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है जिससे निवेश करने से पहले किसी विशेष सलाहकार की सलाह लेना आवश्यक है और हमारी चैनल सेबी द्वारा रजिस्टर्ड भी नहीं है